लीफ दो तरह से भी बांटा गया है इसका, और भी इसका जो डिफरेंशिएट किया गया है, सिंपल एंड कंपाउंडेड। सिंपल लीफ एंड कंपाउंडेड। सिंपल लीफ किसको बोलेंगे? तो सिंपल लीफ बोलते हैं जब लीफ लीफ जो इनसाइज हो, कटा हुआ फटा हुआ हो, लेकिन किसी भी डेप्थ तक हो, लेकिन मिड रिब को टच ना करता हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सिंपल लीफ। लेकिन यही बात अगर कंपाउंड में बात करें, जो फटा हुआ हो और मिड रिब तक टच करता हो, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? कंपाउंड। जैसे मैं एक फिगर से बनाता हूँ, बताता हूँ आपको। ये जैसे है सिंपल लीफ, तो ऐसे है तो ये भी सिंपल है, और अगर मान लो ये फटा भी है तो इस तरह से, तो भी सिंपल है। यहां तक आ गया तो भी सिंपल है, नहीं इस तरह से अगर इंसिजन है, कटा हुआ है, फटा हुआ है, तो ये सिंपल में ही आएगा। लेकिन अगर मैं इसको मैच करा दू, अगर यहां तक टच कर दू मिडरिप से, तब कंपाउंड आंसर चला जाएगा। लेकिन अगर मिडरिप को टच नहीं करने दू, तो ये सिंपल है। और वही जो कंपाउंड लिप की बात करते हैं, तो उसमें क्या बात करेंगे? ये इस तरह से जो फिगर है, ये फटा हुआ हो और मिडरिप को टच किया हो, तो इस तरह से हम लोग इसको नाम क्या दे देते हैं? कंपाउंड। जब ये उस हद तक फटा हो कि ये मिडरिप को टच कर दे, तो इसी को हम लोग नाम दिया जाता है क्या? कंपाउंड। तो ऊपर वाला जो मिडरिप को टच नहीं किया, तो सिंपल कहलाएगा। और अगर नीचे वाला की जो बात करूं, तो यहाँ पे मिडरिप जो यहाँ पे गया हुआ है, इसको टच कर गया, तो यही क्या है? कंपाउंड लीफ की हम लोग बात करते हैं। तो सिंपल और कंपाउंड जो हम लोग है, इस तरह से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, सिंपल लीफ को, और दूसरा क्या बताया? कंपाउंड लीफ को। बच्चों सिंपल और कंपाउंड लीफ की जो बात कर रहे हैं, सिंपल बच्चों सिंपल और कंपाउंड लीफ से रिलेटेड जो बात करते हैं, थोड़ा और बात इसमें करूं, तो सिंपल लीफ जो होता है, जैसा कि मैंने बताया, इनसाइज होगा एनी डेप्थ बट टच नॉट टच मिड रिप, नहीं मतलब नॉट अप टू द मिड रिप, मिड रिप तक नहीं होना चाहिए। जैसा कि पीपल में, मैंगो, रेडिश, ये सब सिंपल लीफ में आता है। लेकिन यही कंपाउंड लीफ के बारे में बात करूं, तो लीफ ब्लेड जो होता है, इनसाइज होता है, कटा रहता है मिड रिप तक, मतलब उसका जो है मिड रिप वहां तक टच होना चाहिए, यानी तो पेट्रियोल भी आप बोल सकते हो। तो ये जो कंपाउंड लीफ है, ढेर सारा स्मॉल पार्ट में बटा हुआ रहता है लीफलेट्स में। बच्चों यहाँ पे जो बात करें, ये दो तरह का होता है, एक पिनेटली कंपाउंड लीफ, कंपाउंड लीफ दो तरह का है, एक पिनेटली, पिनेटली कंपाउंड लीफ बोला जाता है, और दूसरा एक पाल्मेट कंपाउंड लीफ की हम लोग बात करते हैं। एक पिनेट और दूसरा क्या बताया? पाल्मेट। पिनेट की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल जैसे नीम सब में होता है, तो इसमें जो है ये चार तरह का होता है पिनेटली कंपाउंड लीफ, इसको चार भाग में बांट दिया है, चार तरह का। एक होता है यूनिपिनेट, नाम से क्लियर है, यूनि यूनि मतलब ये नहीं, ये जो यूनिपिनेट की बात करें, इसमें जो लीफ होता है, लीफ डिवाइड करता है ओनली वंस, एक जगह या एक बार, नहीं लीफलेट में, और डायरेक्टली अटैच होता है किधर? बोथ साइड ऑफ रेकिस से। मैं यहां जो बात करूं, इफ द नंबर ऑफ लीफलेट इज इवन, देन लीफ इज नोन एज पेरिपिनेट। कहने का मतलब, अगर लीफलेट जो होता है वो अगर इवन है, तो नाम क्या देंगे? पेरी। पेरी मतलब पेरिफेरी में रहता है, जैसा कि सेस्वेनिया में होता है, या केसिया फेस्टुला सब में जो होता है, वो क्या होता है? पेरिपिनेट। क्या बताया? कि सब लीफ ब्लेड या लीफलेट की जो बात करते हैं वो इवन हो, तो पेरिपिनेट। और अगर ओड हो, अगर ओड हो, देन हम लोग उसको क्या बोलते हैं? इम्पेरिपिनेट, इम्पेरिपिनेट बोल देते हैं। रोज और नीम इसका एग्जाम्पल है इम्पेरिपिनेट का। एक होता है बायपिनेट, नाम से ही क्लियर है, नहीं ट्वाइस पिनेट कंपाउंड लीफ जो होगा, तो उसी को क्या बोलते हैं? बायपिनेट। एकेसिया में, गुलमोहर में, मीमोसा में होता है। और एक होता है ट्राइपिनेट, नाम से ही क्लियर है, ट्राइस पिनेट कंपाउंड लीफ जो होगा वो ट्राइपिनेट मोरिंगा में होता है। डी कंपाउंड लीफ जो होता है, नहीं तो कंपाउंड लीफ जिसमें मोर देन ट्राइस पिनेट प्रेजेंट होगा, जैसा कि कैरोट में, कोरिएंडर इस सब में होता है, तो ये किस में आता है? डी, डी कंपाउंड लीफ कंपाउंड में आता है। इसी में जो बात करें पाल्मेट, पाल्मेट कंपाउंड, पाल्मेट कंपाउंड की जो बात करें, ये जो टाइप होता है, इनसाइज होता है लीफ कहां पे? डायरेक्ट फ्रॉम लीफ मार्जिन टू एपेक्स ऑफ द पेट्यूल। और इसमें जितना भी लीफ है, लीफलेट्स जो होगा, अटैच रहता है कहां पे? टिप ऑफ द पेट्यूल पे। और ये भी जो होता है, इसका भी ढेर सारा टाइप है, जिससे हम लोग जो बात करें यूनिफोलिएट, यूनिफोलिएट नाम से क्लियर है, यूनि मतलब एक, जब सिंगल लीफलेट रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिफोलिएट, जैसा कि लेमन में होता है। बायफोलिएट, जब दो लीफलेट रहेगा, नाम से क्लियर है, बाय बाय मतलब यहाँ पे जो बात करें तो दो, नहीं तो बायफोलिएट बोलते हैं, बोहेनिया में होता है। ट्राइफोलिएट की अगर बात करें, तो नाम से क्लियर है, तीन होना चाहिए, थ्री लीफलेट्स जब रहेगा, अटैच रहेगा,
तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइफोलिएट, ऑक्सेलिस में होता है। टेट्राफोलिएट जब चार रहेगा बच्चों तो उसको क्या बोलेंगे, टेट्राफोलिएट मार्सिलिया में होता है। और मल्टीफोलिएट, मल्टी बोले तो मोर देन फोर जब रहेगा तो हम लोग उसी को क्या बोल देते हैं, मल्टी फोलिएट रहता है, जैसा कि सिल्क, कॉटन, बॉम्बैक्स ये सब में मिलता है। बच्चों अगर थोड़ा सा एडिशनल बात करूं यहाँ हट के थोड़ा सा, एक होता है फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी का मतलब, ये जो टर्म है इसका मतलब होता है, फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम, यानी तो ब्रांच, स्टेम या ब्रांच पे जो पैटर्न है अरेंजमेंट का लीफ का, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, फाइलोटैक्सी। वैसे भी फाइलो मतलब होता है लीफ और टैक्सस मतलब होता है रूल, लॉ के अकॉर्डिंग जो लीफ का अरेंजमेंट रहेगा तो उसी को फाइलोटैक्सी बोलते हैं। और ये तीन तरह का होता है, एक होता है अल्टरनेट, एक अपोजिट और एक होता है होल्ड। अल्टरनेट जो होता है सिंगल लीफ एराइज होता है, ईच नोड ऑफ नोड से, प्रत्येक नोड से सिंगल लीफ एराइज होगा और अल्टरनेट मैनर में होता है, जैसा कि चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर में होता है। अपोजिट जो है एक पेयर लीव्स एराइज होगा और प्रत्येक नोड से और अपोजिट साइड में रहेगा, जैसा कि यहाँ पे कैलियोट्रॉपिस में, ग्वाभा में होता है। होल्ड मोर देन टू लीव्स एराइज होगा, नहीं एक नोड से और वो होल्ड में रहेगा, तो यहाँ पे जो है जैसा कि एल्स्टोनिया में होता है, एल्स्टोनिया नहीं डेविल ट्री भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो बच्चों ये तो जो मैंने बात किया, ये किसका, पूरा लीव, पूरा